तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें कि जब भी आपने आई लव यू बोलना है किसी को तो सिर्फ एक ही बारी बोलना है और कोई ज़्यादा बार नहीं बोलना है, और ना ही किसी का पीछा करना है और ना ही किसी को तंग करना है। दोस्तों, आई लव यू कहना यानी कि अपने प्यार का इजहार करना, ये भी अब खतरे से खाली नहीं रहा, क्योंकि जो आई लव यू बोल रहा है वो अपने मन की फीलिंग्स बता रहा है, अपने दिल की फीलिंग्स बता रहा है दूसरे बंदे को, लेकिन दूसरा बंदा उसको कैसे ले रहा है ये शायद उसको बाद में ही पता लगेगा। ऐसा ही एक केस मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें कि एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने एक लड़की को आई लव यू कहा, कहाँ उसकी गलती थी, क्या उसने करा जिसकी वजह से उसके ऊपर केस हो गया, क्या उसने कोई और चीज़ भी करी आई लव यू बोलने के साथ जिस वजह से उसको कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने पड़े, उसके ऊपर FIR भी हुई, केस चला, केस का क्या निर्णय हुआ आज आपको मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इन केस यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बता सकूं। आपका बहुत प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आपकी क्वेरीज़ को मैं पढ़ता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आशा है कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनका मैं आपको अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बता पा रहा हूँ और आप अपनी समस्या से मुक्त हो पा रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, 22 फरवरी 2022 की जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये जजमेंट दी गई थी ग्रेटर बॉम्बे में पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट है, उस कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि जजमेंट में क्या तथ्य थे, क्या चार्जेस लगे हैं लड़के के ऊपर, कैसे लगे, वो सभी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अक्यूज था इसमें, जो लड़का था, उसके ऊपर चार्जेस लगे थे इंडियन पिनल कोड के और पॉक्सो के। इंडियन पिनल कोड के उसके ऊपर दो सेक्शन लगे थे, 506 और 509, जो कि हैं, 506 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि धमकी देना, और 509 है इंसल्ट टू द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। साथ ही उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 12 लगा था, जो कि है सेक्सुअल हरेसमेंट का। काफ़ी गंभीर आरोप हैं उसके ऊपर लगे हैं जो, और ये इन सभी चीज़ों के चार्ज उसके ऊपर लगाए गए थे इस केस में। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंसिडेंट कब का है। देखिए, इंसिडेंट है 2016 का, उस टाइम पर लड़की जो विक्टिम है उसकी उम्र थी 17 साल, यानी कि वो अभी तक उस टाइम पर मेजर नहीं हुई थी, वो नाबालिग थी और वो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। और ये जो इंसिडेंट का डेट है, ये डेट है 7 फरवरी 2016 को, तकरीबन 10-11 बजे की बात है, जब को लड़की विक्टिम थी जो, वो पब्लिक टॉयलेट गई थी जो कि उसके घर के पास ही था। और जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ पे उसके पड़ोस में ही एक लड़का है जो कि अक्यूज्ड है, वो वहाँ पे खड़ा था। जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने उसको आई लव यू बोला। जब उसने ये चीज़ें सुनी, आई लव यू उसने सुना, तो उसके बाद वो इमिजिएटली अपने घर गई और उसने ये इंसिडेंट अपनी मम्मी को बताया, अपनी मदर को बताया। और उसकी मदर ने आकर के उस लड़के से पूछा उस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन उसने कोई अच्छी तरह जवाब नहीं दिया। इसके बाद लड़के ने उसकी मदर को, यानी कि विक्टिम की मदर को धमकियां दी, ऐसा उसकी कंप्लेंट में था। और इस वजह से लड़की ने, उसके माता पिता ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। देखिए, ये केस जब एविडेंस की स्टेज पर पहुँचा तो प्रोसिक्यूशन बहुत कुछ प्रूव नहीं कर पाया, वो सिर्फ इतना ही प्रूव कर पाए कि लड़के ने लड़की को आई लव यू बोला था। इसके अलावा कोई भी चीज़ प्रूव नहीं कर पाए, यानी कि जो 506 के चार्जेस थे धमकी देने के, वो भी प्रूव नहीं हुए, और किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल इंटेंशन नहीं थी लड़के की, ये सामने आया कोर्ट के। क्योंकि एविडेंस में कहीं भी कोई भी ऐसा एक्ट लड़के के द्वारा नहीं किया गया था जिससे कि उसकी सेक्सुअल इंटेंट या किसी तरह से वो सेक्सुअली हरास करना चाहता था लड़की को, ऐसी कहीं भी बात निकल के नहीं आई। और साथ ही क्योंकि 506
509 का भी सेक्शन था, यानी कि इंसल्ट टू द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। ऐसी भी कहीं कोई ऐसी हरकत नहीं दिखी जिसमें कि उसने लड़की की मोडेस्टी यानी कि उसके चरित्र के ऊपर, उसकी शीलता के ऊपर उसने कहीं भी कोई उंगली उठाई हो, उसकी इंसल्ट की हो, बेइज्जती की हो। तो इस तरह से उसके ऊपर जो भी चार्जेस थे, यानी कि 506, 509 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 12, इन सभी चार्जेस से उसको मुक्त किया गया। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एक इंसिडेंट ऑफ सेइंग आई लव यू, यानी कि व्यक्ति कभी भी किसी को यदि एक बार आई लव यू बोलता है और वो उसका किसी भी तरह से पीछा नहीं करता है, तो ऐसे में ये जो आई लव यू उसने बोला है, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने प्यार को वो व्यक्त कर रहा है जिसको भी वो कर रहा है, और ऐसे में ये किसी भी तरह से हरासमेंट में, सेक्सुअल हरासमेंट में या किसी भी तरह से इंसल्ट टू द मोडेस्टी ऑफ वुमेन में नहीं आएगा। तो इस केस में कोर्ट ने उस लड़के को बरी किया, जो भी चार्जेस थे उसके ऊपर उसमें कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए, कोर्ट ने बरी किया। तो इससे हमारे को क्या सीख मिलती है? देखिए, इससे, इस जजमेंट से हमारे को क्या इसका हम जिस्ट निकालते हैं कि यदि आपने किसी ने भी आई लव यू बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो आपकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक हों, क्योंकि यदि गलत इंटेंशंस होंगी तो आप साथ में बहुत कुछ करेंगे। इस लड़के ने सिर्फ आई लव यू बोला और कुछ भी नहीं किया, इसी से इसकी इंटेंशन प्रूव होती है कि इसकी इंटेंशन सिर्फ आई लव यू बोलने की थी और वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा था। यदि कोई भी आई लव यू के साथ कुछ और करता है, यानी कि स्टॉकिंग करता है, पीछा करता है, घूरता है और कोई गंदे इशारे करता है, किसी तरह से बेइज्जती करता है लड़की की, तो वो चीज़ें एक्सप्रेशन ऑफ लव में नहीं आएंगी, उनमें सजा हो सकती है। लेकिन यदि एक इंसिडेंट ऐसा है जैसा कि इस केस में दिखाया गया है, तो उसमें कोई भी सजा नहीं होगी। तो आई लव यू कहना कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड कि इंटेंशन ठीक हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।